हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है और इसमें हम GTTS मॉड्यूल के बारे में जानेंगे, इसको डाउनलोड कैसे करना है वो भी बताऊंगा और इसका जो खूबसूरत काम है उसके भी बारे में बताऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं GTTS मॉड्यूल का यूज किया है हमने। अब इसका यूज करने से होगा क्या, इसका यूज करने से क्या होगा ये बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आपको ये बताता हूँ कि इस मॉड्यूल को आपको डाउनलोड कैसे करना है, इस मॉड्यूल को एक्टिव कैसे करना है। तो यहाँ देखिए, ये जो है ना, आपको पाइचार्म डाउनलोड कर लीजिएगा। पाइचार्म के अंदर यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो इंटरप्रेटर सेटिंग पे आइएगा और यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक कीजिएगा, और जैसे प्लस के निशान पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे सर्च कीजिएगा GTTS। ठीक है, जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे GTTS मिल जाएगा। नीचे इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक कर दीजिएगा और ये जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और फिर ओके कर दीजिएगा। हमारे में पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको और यहाँ पर हम एक सॉन्ग क्या यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसी टेक्स्ट को हम आवाज इसकी आएगी जब हम इसको चलाएंगे प्रोग्राम को। तो चलिए आइए इसको देखते हैं ये कैसे होगा। तो यहाँ से इसको रन कर रहा हूँ और यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट GTTS ऑफ पाइथन, GTTS ऑफ पाइथन। चलिए ठीक है, यही है। अब यहां से इसको रन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको रन कर दिया। अब देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट GTTS ऑफ पाइथन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है वही आपको दे देगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ और हम लिख देते हैं, ये लिख दिया। ठीक है, अब हम अगर अब देखिए इसे यहाँ पे मैंने चेंज किया है, हेलो दिस इज सूरज सर लिख दिया और इसको मैं फिर चला रहा हूँ। अब देखिए ये क्या, हेलो दिस इज सूरज सर। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर ये भी ये वॉइस निकल रही है इसमें से। तो उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। GTTS मॉड्यूल जो है उसको डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करके यूज कीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, GTTS का जो पैकेज है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।